देश को क्या बचाया, उन्होंने तो देश को ही डुबो दिया पूरी तरीके से। क्या बचाए इस देश में ये बताइए मुझे। वो कहते थे सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, बताइए किसकी में आया, मेरी में तो आया नहीं, आपकी में आया। क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पूंजीपतियों अडानी अंबानी के लिए उन्होंने काम किया है, इस गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या बचा लिया इन्होंने देश में, 1 लाख स्कूल बंद इन्होंने कर दिए, निजीकरण कर दिया शिक्षा का, आरक्षण खत्म कर दिया, सरकारी नौकरी ठेके पर कर दी इन्होंने, इन्होंने बचा छोड़ा क्या है, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। ओबीसी कैसे जागेगा जो ओबीसी साथ दे रहा है बीजेपी का? देखिए ओबीसी को जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जब तक वो आगे नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर जो हिंदुत्व का जो नशा चढ़ा हुआ है ना, जो हिंदुत्व के झुमेले से जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो लोग भी आँख खोल के विश्वास ये नहीं कर पाएंगे कि मोदी जी हमारे लिए क्या करें, क्योंकि अंधभक्ति लोगों के अंदर चढ़ी हुई है। बहन जी ने देखिए फ्री में राशन नहीं बांटा, उन्होंने फ्री में एजुकेशन बांटी, तो आज इस देश को एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ये देश पढ़ा लिखा होगा उतना ही इस देश का विकास होगा, लेकिन जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो अपने हक अधिकार कहाँ से जानेंगे, अपने अधिकारों की बात कहाँ से करेंगे। तो बहन जी ने जो शिक्षा देने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और देखिए फ्री एजुकेशन उन्होंने दी है, यहाँ तक कि छात्रावास में भी ओबीसी के जो लोग हैं 27% आरक्षण की उन्होंने व्यवस्था उसमें की है। तो आज जो इस वर्तमान की सरकार को अगर हम लोग देखते हैं, उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया। बहन जी ने जो विकास किया था 2007 से 12 तक, उन मुद्दों पे आपको वोट नहीं मिला 12 में, 17 में, 19 में, 22 में, क्या लग रहा है? बहुत सारे मूर्ख लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने पत्थरों में जो है पैसा लगा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया है, बाबा साहेब के सपने को पूरा किया है, 3,500 करोड़ की सरदार पटेल की स्टैचू बनी, उससे मुझे बताइए क्या फ़ायदा हो रहा है, जबकि बहन जी ने जो पार्क बनाया है उसकी जो आमदनी सरकार को भी होती है, चाहे नोएडा का हो या लखनऊ का, आप देख सकते हैं वहाँ पर शूटिंग भी होती है, तो उससे किसको प्रॉफिट हो रहा है, सरकार को ही जा रहा है, लेकिन जो सरदार पटेल की जो 3,000 करोड़ की जो मूर्ति बनाई है उससे किसको फ़ायदा हुआ, लोग यहां तक तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही जातिवाद का है कि बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगा दिया। लेकिन जब मोदी सरकार ने घर घर झंडे पहुंचाए और जय श्री राम के नारे लगवाए, उनकी काट क्या है आपके पास में? देखिए जय श्री राम, उन्होंने जो अयोध्या का जो मंदिर बनाया और जो धर्म की चाशनी में लोगों को डुबोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आधे से जनता बहुत मूर्ख है, वो धर्म का नशा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। जिस दिन इस देश के लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर देंगे, आप देखिए उस दिन इस देश की दिशा और दशा दोनों अपने आप बदल जाएगी। जो मोदी ने राम मंदिर बनाया, अब मुझे बताइए कि राम मंदिर से किसका फ़ायदा होने वाला है, बताइए, वहाँ पर भिखारी पैदा होंगे, वहाँ भिखारी के अलावा कुछ पैदा नहीं होंगे। अगर वो स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बनाते, तो वहाँ पे देखिए स्कूल कॉलेज से डॉक्टर इंजीनियर निकल को मजबूत कर रहे हैं वो। हिंदुओं को कोई मजबूत नहीं कर रहा, ये सिर्फ झांसा है वोट लूटने का, क्योंकि हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली जो हथियार है वो है वोट का अधिकार, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। एक वोट की ताकत से ही सरकार बन सकती है और एक वोट की ताकत से ही सरकार गिर भी सकती है, तो वो जो पावरफुल अधिकार है इस वोट की ताकत की वजह से ही वो हमारे पैरों में झुकते हैं, नहीं तो हमारी तो इस देश में कोई औकात नहीं थी। अगर संविधान नहीं होते तो हम इंसान भी नहीं कहलाए जाते। बहन जी संदेश देकर के गई है कि जितना भी बहुजन समाज है वो एकजुट हो जाए और अपने अपनों की पहचान कर ले, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि अपना मारता है तो छांव में फेंकता है, लेकिन जब दूसरा मारता है तो वो धूम में फेंकता है। तो अपने अपनों की पहचान कर लो, जब हम अपनों की पहचान कर लेंगे और सही वोट हमारी सही जगह पहुँच जाएगी, तो फिर वो हमारे विकास के लिए भी काम करेगी। बहन जी क्या खास कर रही है इस बार, जो पहले चुनाव हारती आ रही है 2012 से लगातार? देखिए बहन जी के शासनकाल को अगर आप देखो, 4-4 बार जो उत्तर प्रदेश का है, एक तरीके से ऐतिहासिक काम बहन जी ने उसमें किया है। जितने भी गरीब लोग थे, SC ST OBC के लोग हैं, उनको देखिए उन्होंने महामाया जो विकास योजना के तहत उन्होंने उनको घर प्रोवाइड कराए। दूसरा उन्होंने SC ST OBC के जितने भी जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने बनाई, और उनके शासन में जो अपराधी होते थे वो प्रदेश छोड़ के भाग जाया करते थे। शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, एक सर्वे के अनुसार ये भी प्रूफ हो चुका है कि बहन जी का जो शासनकाल था वो बहुत अच्छा था। और दूसरा कि ऐतिहासिक काम जो बहन जी ने किया है, जो आप देख सकते हो कि जो पार्क उन्होंने बनाए हैं, एक तरीके से अपने महापुरुषों को जिंदा करने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि बाबा साहेब ये चाहते थे कि हमारे अपने ऐतिहासिक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हमारे 4 लोग समाज की चर्चा कर सकें, तो उस काम को भी बहन जी ने पूरा किया है। उन्होंने आप देख सकते हो नोएडा में उन्होंने मल्टीनेशनल जो काशीराम साहिब के नाम पर हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं। कह रहे हैं कि 400 पार आते संविधान बदलेंगे, 2/3 बहुमत आ जाएगा, तो बिल्कुल ये इन लोगों की
हिंसा है, क्योंकि संविधान का विरोध बचा पाओगे और क्या लग रहा है? देखिए, संविधान का विरोध ये आज से नहीं कर रहे, संविधान का विरोध तो ये तब से कर रहे जब से संविधान बना है, क्योंकि वो जो संविधान है वो समानता, न्याय और बंधुता की बात करता है, वो बराबरी की बात करता है, वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। क्योंकि जो मनुस्मृति को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ग विशेष को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, लेकिन संविधान में एक चपरासी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मोची का बच्चा भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो संविधान की ये ताकत है। और इसीलिए संविधान पर प्रहार किए जा रहे हैं, संविधान को खोखला करने में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि संविधान कोई ऐसे नहीं बदल सकता है जो दो तिहाई बहुमत, जो सोच रहे हैं कि हमें इतना बहुमत मिल जाएगा, वो नहीं मिलने वाला। संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में करके गए हैं। लेकिन तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम 400 से ऊपर लेकर आएंगे सीटें। देखिए, जब तक ईवीएम है ना तो कुछ भी बोल सकते हैं। ईवीएम के माध्यम से अगर चुनाव होते तो डेफिनेटली 400 क्या फ्री दे रहे हैं वो 5 किलो। बिल्कुल, अनाज फ्री इसीलिए दे रहे हैं ना क्योंकि रोजगार नहीं दे सकते वो। वो सिर्फ लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं, जिंदा, और जुमले पे जुमले दिए जा रहे हैं कि हमने 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी। डाइट कर दे उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहते हैं लोग। कोई कुछ नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में मिला दिए। हिंदू और मुस्लिम का ये झगड़ा जो हमेशा, तो उसी पे मिलता है ना। देखिए, वोट उस पे नहीं मिलेगा, वोट काम पे मिलेगा। जब भी आप, मैं सब काम पे मिलता तो बहन जी को वोट मिलना चाहिए था 12 के बाद में। चाहती हूँ, क्योंकि जो ईवीएम का जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी तब तक देखिए इसी तरीके से वोट इनके उसमें जाती रहेगी। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, आप देखिए इस देश में हमारी सरकार आएगी। कहाँ लोग तो आराम से वोट दे रहे हैं ईवीएम से। लोग तो मुद्दे उठा रहे हैं ना, राजनीतिक पार्टी भी उठा रही है और सामाजिक लोग भी उठा रहे हैं। जब आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि भैया इस बार ईवीएम टूटेगी, हम ईवीएम के माध्यम से वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी वोट गलत लोगों के हाथों में जा रही है। जब हमारी गलत लोगों के वोट उनके हाथों में जाएगी तो वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसी करप्ट लोगों को जेल भेजने, केजरीवाल अंदर चले गए हैं, ईडी सीबीआई पूरा काम कर रही है देश में। देखिए, सभी लोग उनके अंडर में हैं। देश की सत्ता पे वो लोग बैठे हैं जो ना तो संविधान को मानते हैं, और दूसरा सब कुछ इनके अंडर में है, चाहे चुनाव आयोग हो या कोई भी हो, तो ये कुछ भी करा सकते हैं। तो अब लोगों को काम के आधार पर वोट देना होगा। अगर आपकी चौखट पर कोई वोट मांगने के लिए आता है तो उससे पूछिए कि आपने 5 साल में हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या किया, उनके बेहतर भविष्य के लिए आपने क्या किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको पूछनी होंगी, क्योंकि वो शिक्षा पर सबसे बड़ा प्रहार कर रहे हैं, और क्योंकि शिक्षा ही सभी सवालों को जन्म देती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो तर्क वितर्क करना सीख जाता है, लेकिन जब वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, आप देखोगे कि 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। पहले के जो स्कूल होते थे, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनते थे, अफसर, अधिकारी, लेकिन आज स्कूलों में देख लिए बच्चों को भिखारी बनाया जा रहा है। आज अच्छी एजुकेशन उनको नहीं दी जा रही है, प्राइवेट हाथों में शिक्षा का निजीकरण इन्होंने कर दिया, जो कि देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। और शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि गरीब तबके का जो व्यक्ति है वो अपने बच्चों को जो है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं पढ़ा। मोदी जी कह रहे हैं अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी है। टेलर क्या और फिल्म क्या, वो सब कुछ सब लोगों के सामने आ ही जाएगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो, है ना। तो अगर ईवीएम से हुआ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहनों किस तरह देखती हैं, अभी टेलर कह रहे हैं क्या संविधान बदल देंगे पूरी तरह से? संविधान नहीं बदल सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है उसे पढ़ोगे तो वो संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा में इनको चाहिए, वो ऐसे नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए संविधान को बदलना, इसीलिए क्योंकि संविधान हर व्यक्ति के समान अधिकारों की बात करता है, शिक्षा रोजगार की बात करता है। संविधान के आर्टिकल 46 में शिक्षा का अधिकार दिया कि सभी बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या ये लोग शिक्षा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। शिक्षा से लोगों को वंचित किया जा रहा है, ताकि वो जब पढ़ेगा लिखेगा तभी तो वो सवाल करेगा कि हमारे लिए शिक्षा कहाँ, रोजगार कहाँ है, हमारे लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कहाँ। जब वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो क्या पूछेगा? वो इंजेक्शन फ्री नहीं, वो हम अगर माचिस भी खरीदने जाते हैं ना तो उस पर भी टैक्स हम लोग देते हैं। ये जो राशन लोगों को फ्री में बांट रहे हैं ना, वो भी हमारे ही पैसों से बांट रहे हैं, क्योंकि रोजगार देना इनके बस की बात नहीं है। ये फ्री में, महंगाई इतनी अपने चरम पर है, सिलेंडर देखिए 1100-1200 का लोगों ने खरीदा है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। तो ये जो यही आम आदमी के मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार सफल नहीं है। मुस्लिम टाइट है, पाकिस्तान भूखा मरने लगा है मोदी जी के काल में। अपने देश को अभी परसों मैं आया, मोदी जी को पहले अपने देश के अंदर देखना चाहिए, पाकिस्तान तो बाद की बात है कि आप अपने देश में क्या कर रहे हो। बाहर जाके कहते हैं कि भैया भारत में सब चंगा है, लेकिन यहाँ के देखो कि कितने लोग रोज गरीब भूखे सोते हैं, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, मजदूर रिक्शे वाले अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। तो ये सारे मुद्दे मोदी जी को देखने चाहिए, क्योंकि वो देखते नहीं है, वो सिर्फ कहने में विश्वास करते हैं, वो करने में नहीं करते। जबकि बहन जी करने में विश्वास, देश बचाना है पहले, जब देश बचेगा तो स्कूल कॉलेज सब खुल जाएंगे फ्यूचर में। भाई देश तो इन्हीं के पास था, देश गया कहाँ था? कह रहे हैं काशी मथुरा बाकी है अभी।
काशी मथुरा क्या पहले भैया भारत का ही विकास कर लो, इसमें ही लोगों को रोजगार दे दो, शिक्षा अच्छी दे दो, उन्हें बहन बेटियों की इज्जतें सुरक्षित कर लो। आप देख लीजिए मणिपुर में क्या हाल हुआ महिलाओं का, इन्हीं की सरकार थी बीजेपी की। तो ये महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा लगाते हैं, लेकिन जब ना बेटियों को जिंदा छोड़ रहे हैं ना बेटियों को पढ़ने लायक छोड़ रहे हैं। लेकिन 33% आरक्षण तो दे रहे हैं वो संसद में। हाँ तो 33% आरक्षण जो दे रहे हैं वहाँ पर कौन सी महिलाएं जाएंगी, वो सवर्ण महिलाएं ही जाएंगी वहाँ पे। आधे से ज़्यादा जो महिलाएं हमारी गाँव में रहती हैं, गाँव में जन जागरूकता का बहुत अभाव है, वहाँ की महिलाएं जागरूक नहीं है, फोन तक चलाने नहीं आते, वो कहाँ से संसद में पहुँच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। जय भीम।